हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थर्ड ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर EL302 के चैप्टर 4 पेरिफेरल डिवाइसेस एंड देयर इंटरफेसिंग विद 8085 के एक टॉपिक फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर इंटेल 8271 IC द्वारा दो सिंगल या एक ड्यूअल फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर से इंटरफेस किया जा सकता है। इंटरफेसिंग ICs की मदद से म्यूपी के लिए पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम बहुत ही आसान हो जाता है। फ्लॉपी पर डेटा रीड और राइट करने के अलावा यह IC खराब ट्रैक्स को पहचान कर उन्हें संभालने का काम भी करती है। 8-7 IC द्वारा एक स्कैन कमांड की सुविधा भी मिलती है, जिसके द्वारा यूजर FDC को ट्रैक पर एक विशेष डेटा पैटर्न ढूंढने के लिए निर्देश दे सकते हैं। डायग्राम FDC 8271 एक 40 पिन की DIP IC होती है। DIP मतलब ड्यूअल एंड लाइन पैकेज। इसके पिन डायग्राम द्वारा हम इसके फंक्शंस को समझने का प्रयास करते हैं। पिन नंबर 1 फॉल्ट रीसेट या OPO। यह पिन दो प्रकार से कार्य करती है, फॉल्ट रीसेट या ऑप्शनल आउटपुट लाइन। ड्राइव द्वारा बताई गई किसी भी त्रुटि स्थिति को इस लाइन द्वारा रीसेट किया जा सकता है, अन्यथा यह पिन एक वैकल्पिक आउटपुट लाइन की तरह भी उपयोग में ली जा सकती है। इस लाइन को राइट स्पेशल रजिस्टर कमांड द्वारा सेट किया जा सकता है। पिन नंबर 2 और 6 पर सिलेक्ट 0 और सिलेक्ट 1, इन आउटपुट लाइन्स द्वारा FDC एक ड्राइव का कार्य करने के लिए चयन करता है। इन लाइन्स को कमांड बाइट द्वारा सेट किया जा सकता है। पिन नंबर 3 क्लॉक, यह IC 4 MHz के स्क्वायर वेव क्लॉक का उपयोग करती है। पिन नंबर 4 रीसेट, इस पिन पर यदि 10 या उससे अधिक क्लॉक साइकल्स के लिए एक हाई सिग्नल यानी लॉजिक 1 दिया जाए तो 8271 आइडल स्टेट में चला जाता है, और जब तक CPU कमांड नहीं देता तब तक वह आइडल स्टेट में ही रहता है। पिन नंबर 5 एंड 32, ये एक्टिव लो इनपुट लाइंस होती हैं, रेडी 1, रेडी जीरो। ये लाइंस बताती हैं कि चयन की गई ड्राइव रेडी है या नहीं। पिन नंबर 7 एक्टिव लो इनपुट DACK, DMA एक्नॉलेज, यह लाइन 8271 को सूचित करती है कि DMA की रिक्वेस्ट स्वीकार हो गई है। पिन नंबर 8 DRQ, DMA रिक्वेस्ट, एक आउटपुट सिग्नल है जिसके द्वारा 8271 माइक्रोप्रोसेसर को DMA की रिक्वेस्ट भेजता है। पिन नंबर 9 RD, एक्टिव लो रीड, एक इनपुट सिग्नल है जो माइक्रोप्रोसेसर को IC से डेटा रीड करने की अनुमति प्रदान करता है। रीड के एक्टिव होने पर 8271 के रजिस्टर में से डेटा बस पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। पिन नंबर 10 WR, एक्टिव लो राइट इनपुट सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर को 8271 के रजिस्टर में डेटा राइट करने की अनुमति देता है। यदि राइट लो है तो डेटा बस से 8271 के रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाता है। पिन नंबर 11 INT, इंटरप्ट एक आउटपुट सिग्नल है जिसके द्वारा FDC माइक्रोप्रोसेसर को यह बताता है कि FDC का कार्य पूरा हो गया है। यह तब तक हाई रहता है जब तक कि माइक्रोप्रोसेसर FDC के रिजल्ट रजिस्टर को नहीं पढ़ लेता। FDC इज फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर 8271। पिन नंबर 12 से 19 DB7 से DB0, डेटा बस, एक 8 बिट की 3 स्टेट बाइडायरेक्शनल बस होती है जिसके द्वारा माइक्रोप्रोसेसर और 8271 के बीच डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। पिन नंबर 20 GND, ग्राउंड। पिन नंबर 21 और 22 A1 A0, इन दोनों एड्रेस लाइंस के द्वारा माइक्रोप्रोसेसर 8271 के रजिस्टर को सिलेक्ट करता है कि किस रजिस्टर में रीड या राइट ऑपरेशन करना है। पिन नंबर 23 इन सिंक, इनपुट सिंक्रोनाइजेशन, एक एक्टिव हाई आउटपुट लाइन है जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि 8271 ने 0 के 2 बाइट्स का पता लगाकर इनपुट डेटा सिंक्रोनाइज कर लिया है, और यह तब तक हाई रहता है जब तक कि डेटा फील्ड समाप्त नहीं हो जाती। पिन नंबर 24 CS, एक्टिव लो चिप सेलेक्ट सिग्नल द्वारा माइक्रोप्रोसेसर 8271 IC को रीड और राइट ऑपरेशंस के लिए इनेबल करता है। पिन नंबर 25 PLO या
एसएस। फेज लॉक ऑसिलेटर या सिंगल शॉट एक इनपुट पिन है जिसके द्वारा यह बताया जाता है कि किस प्रकार का डेटा सेपरेटर यूज किया जा रहा है। फेज लॉक ऑसिलेटर या सिंगल शॉट डेटा सेपरेटर रिसीव डेटा में से कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन, क्लॉक, इन सब को निकाल कर एक्चुअल डेटा को अलग करता है। पिन नंबर 26 डेटा विंडो, यह एक इनपुट सिग्नल है जो सिंगल शॉट या फेज लॉक ऑसिलेटर द्वारा स्थापित किया जाता है। इसके इस विंडो के द्वारा ही 8271 को एक्चुअल डेटा की पहचान हो पाती है। पिन नंबर 27 अनसेपरेटेड डेटा, यह एक्टिव लो इनपुट डेटा और क्लॉक को एक साथ दर्शाता है। पिन नंबर 28 फॉल्ट, इस एक्टिव लो इनपुट लाइन द्वारा ड्राइव 8271 को फाइल की असुरक्षित स्थिति की सूचना देता है। पिन नंबर 29 राइट डेटा, इस आउटपुट पिन द्वारा 8271 ड्राइव को डिस्क पर लिखने के लिए कंपोजिट डेटा भेजता है। पिन नंबर 30 काउंट या ओपीआई, यह एक्टिव लो इनपुट सिग्नल है। यदि सीक या डायरेक्शन या काउंट सीक मोड सिलेक्ट किया जाता है तो इस पिन पर आने वाली पल्सेस के द्वारा रीड राइट हेड को चुने गए ट्रैक पर ले जाया जाता है, अन्यथा इस पिन को वैकल्पिक इनपुट की तरह भी यूज किया जा सकता है। पिन नंबर 31 टीआरके 0 ट्रैक 0 एक एक्टिव लो इनपुट सिग्नल है जो यह दर्शाता है कि रीड राइट हेड ट्रैक 0 पर है। पिन नंबर 33 राइट प्रोटेक्ट, यह एक एक्टिव लो इनपुट सिग्नल है जो दर्शाता है कि इंसर्ट की गई डिस्क राइट प्रोटेक्टेड है, मतलब उसे केवल रीड किया जा सकता है, उस पर राइट नहीं किया जा सकता। पिन नंबर 34 इंडेक्स, यह एक एक्टिव लो इनपुट सिग्नल है जिसके द्वारा डिस्क की सापेक्ष स्थिति का पता चलता है कि ड्राइव का हेड कहां पर है और डिस्क कहां पर है। पिन नंबर 35 राइट इनेबल, इस आउटपुट सिग्नल द्वारा ड्राइव को राइट करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। जब तक राइट इनेबल्ड नहीं होगा तब तक हेड डिस्क पर राइट नहीं कर सकता। पिन नंबर 36 सीक या स्टेप, यह आउटपुट मल्टीफंक्शन लाइन है जिसका उपयोग ड्राइव सीक के दौरान किया जाता है। सीक मतलब ड्राइव जब डिस्क पर किसी विशेष पोजीशन या ट्रैक को ढूंढती है। डायरेक्शन, यह आउटपुट लाइन सीक की दिशा बताता है। पिन नंबर 37 यदि इस पिन पर हाई है तो रीड राइट हेड स्पिंडल की तरफ जाता है, यानी स्टेप इन अंदर की तरफ, और यदि इस पिन पर लो है तो हेड स्पिंडल से दूर जाता है यानी बाहर की तरफ, स्टेप आउट। पिन नंबर 38 लोड हेड, इस आउटपुट सिग्नल द्वारा ड्राइव को रीड राइट हेड डिस्क पर रखने का संकेत मिलता है। पिन नंबर 39 लो करंट, इस आउटपुट सिग्नल द्वारा ड्राइव को सूचित किया जाता है कि 43 या उससे अधिक का ट्रैक चुना गया है। 43 या अधिक के ट्रैक का मतलब है अंदर के ट्रैक्स, क्योंकि अंदर के ट्रैक्स छोटे होते हैं तो उनमें रीड राइट के लिए लो करंट देना पड़ता है। पिन नंबर 40 वीसीसी प्लस 5 वोल्ट की पावर सप्लाई। 8271 का इंटरनल आर्किटेक्चर, इंटरनल डेटा बस के लेफ्ट साइड में माइक्रो प्रोसेसर से इंटरफेस करने वाले ब्लॉक्स हैं और राइट साइड में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से। 8271 में 5 स्पेशल रजिस्टर होते हैं, स्टेटस, कमांड, रिजल्ट, पैरामीटर और रीसेट। इनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट ब्लॉक है 8-bit 3-state bi-directional डेटा बस बफर, जो माइक्रो प्रोसेसर द्वारा डेटा को रीड या राइट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रीड राइट डीएमए कंट्रोल लॉजिक, डीआरक्यू और डीएसी के सिग्नल डीएमए रिक्वेस्ट के लिए डीएमए कंट्रोलर को भेजे और प्राप्त किए हैं। जब एफडीसी का ऑपरेशन पूरा हो जाता है तब वह आईएनटी सिग्नल द्वारा माइक्रोप्रोसेसर को सूचित करता है। रीड राइट सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर को चिप में रीड या राइट के लिए इनेबल करते हैं। A1 A0 एड्रेस सिग्नल्स द्वारा रजिस्टर्स को सिलेक्ट किया जाता है। रीसेट इस आईसी को रीसेट कर देता है। CS सिग्नल आईसी को रीड राइट ऑपरेशंस के लिए इनेबल करती है। अब देखते हैं राइट साइड में डिस्क ड्राइव इंटरफेस। सीरियल इंटरफेस कंट्रोलर डेटा को डिस्क पर राइट करने और रीड करने के सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। WR द्वारा डेटा भेजा जाता है।
इन सिंक सिंक्रोनाइजेशन को दर्शाता है। रीड डेटा इनपुट सिग्नल द्वारा एफडीसी डिस्क से डेटा रीड करता है। एक्चुअल डेटा को सेपरेट करने के लिए डेटा विंडो सिग्नल यूज किया जाता है। PLOSS डेटा सेपरेटर हैं जो डेटा को क्लॉक सिग्नल से अलग करते हैं। नेक्स्ट है ड्राइव इंटरफेस कंट्रोलर जो एफडीसी और ड्राइव के बीच में कंट्रोल सिग्नल्स का आदान प्रदान करता है। इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स के लिए इनपुट और आउटपुट बफर यूज किए जाते हैं। इनपुट बफर में आने वाले सिग्नल्स ड्राइव से 8 to 7 की ओर जाते हैं, जैसे रेडी 0 और 1 यह बताते हैं कि कौन सी ड्राइव डेटा ट्रांसफर के लिए तैयार है। ट्रैक 0 इनपुट बताता है कि ड्राइव हेड ट्रैक 0 पर है। काउंट ओपीआई सिग्नल चुने गए ट्रैक पर ले जाने के लिए सिग्नल भेजता है। इंडेक्स द्वारा यह पता चलता है कि डिस्क और हेड की सापेक्ष स्थिति क्या है। राइट प्रोटेक्ट सिग्नल द्वारा यह पता चलता है कि डिस्क पर लिख सकते हैं या नहीं। फॉल्ट सिग्नल डिस्क में आने वाली किसी प्रकार की त्रुटि की सूचना देता है। आउटपुट बफर में एफडीसी से डिस्क की तरफ जाने वाले कंट्रोल सिग्नल्स दर्शाए गए हैं। 601 सिग्नल द्वारा एक ड्राइव चुनी जाती है। राइट एनेबल सिग्नल ड्राइव को डिस्क पर लिखने की अनुमति प्रदान करता है। लोड हेड सिग्नल ड्राइव हेड को डिस्क पर रखता है ताकि रीड या राइट ऑपरेशन किया जा सके। सीक या स्टेप सिग्नल द्वारा चुने गए ट्रैक पर हेड को ले जाया जाता है। सिग्नल यह बताता है कि हेड को ट्रैक पर अंदर की तरफ जाना है या बाहर की तरफ। लो करंट सिग्नल जब हेड 43 या उससे ऊपर के ट्रैक पर पहुंच जाता है तब काम आता है, क्योंकि अंदर के ट्रैक छोटे होते हैं तो डेटा पास पास लिखने में आता है। ऐसे में यदि करंट हाई होगा तो दो बिट्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। फॉल्ट रीसेट सिग्नल डिस्क में डिटेक्ट हुई फॉल्ट को रीसेट करने के काम आती है ताकि काम फिर से शुरू हो सके। CPU to 8 to 7 इंटरफेस। माइक्रोप्रोसेसर और 8 to 7 के इंटरफेस में 5 स्पेशल रजिस्टर्स का उपयोग किया जाता है, जैसे फर्स्ट है कमांड रजिस्टर। 8 to 7 को दिए जाने वाला कमांड इस रजिस्टर में भेजा जाता है। कमांड का एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। D7 D6 बिट द्वारा ड्राइव सिलेक्ट की जाती है। D5 D0 द्वारा विभिन्न कमांड्स। A1 A0 की वैल्यू 00 और राइट सिग्नल इनेबल होने पर इस रजिस्टर में कमांड राइट किया जा सकता है। कमांड राइट करने से पहले स्टेटस रजिस्टर चेक किया जाता है। यदि एफडीसी पहले से किसी कमांड में बिजी है तो नया कमांड नहीं लिखा जाता है। सेकेंड रजिस्टर है रीसेट रजिस्टर। इस रजिस्टर द्वारा प्रोग्राम को रीसेट किया जा सकता है। रीसेट करने के लिए सिग्नल 10 या उससे अधिक क्लॉक के लिए एक्टिव रहना चाहिए। थर्ड रजिस्टर है पैरामीटर रजिस्टर। कमांड रजिस्टर में कमांड लोड करने के बाद उसके लिए आवश्यक पैरामीटर्स इस रजिस्टर में लोड किए जाते हैं। कमांड के बाद 5 पैरामीटर्स तक की आवश्यकता हो सकती है। A1 A0 की वैल्यू 0 और 1 होने पर यह सिलेक्ट किया जा सकता है। D7 से D0 बिट्स में पैरामीटर्स लोड होते हैं। जैसे यदि रीड रजिस्टर का कमांड है तो उसके बाद पैरामीटर रजिस्टर में उस रजिस्टर का रीड उस जिस रजिस्टर को रीड करना है उस रजिस्टर का एड्रेस भेजा जाएगा। और यदि किसी रजिस्टर में राइट करने का कमांड है तो पैरामीटर्स में उस रजिस्टर का एड्रेस जिसमें राइट करना है और राइट करने के लिए डेटा, ये दोनों पैरामीटर्स भेजे जाते हैं। फोर्थ है रिजल्ट रजिस्टर। यह रजिस्टर एफटीसी के ऑपरेशन का रिजल्ट माइक्रोप्रोसेसर को पहुंचाता है। A1, A0 की वैल्यू 01 होने पर यह सिलेक्ट होता है। D7, D6 और D0 बिट्स यूज नहीं आते, उनमें 0 जाता है। D1 और D2 में कंप्लीशन कोड जाता है। कंप्लीशन कोड कंप्लीशन टाइप की डिटेल्स देता है। D3 और D4 में कंप्लीशन टाइप जाता है। कंप्लीशन टाइप का मतलब यदि 00 है तो गुड कंप्लीशन, कोई एरर नहीं हुआ। 01 है तो कुछ ऐसे सिस्टम एरर्स जिन्हें सुधारा जा सकता है। 10 है तो यूजर उन एरर्स को ठीक कर सकता है। और 11 है तो या तो प्रोग्राम एरर है या फिर ड्राइव फेलियर है। D5 में यदि एफडीसी को डिलीटेड डेटा मिल जाता है ट्रैक स्कैनिंग करते हुए तो 1 जाता है, अन्यथा 0 जाता है। D1 और D2 जिनमें कंप्लीशन कोड जाता है वो कंप्लीशन टाइप की और डिटेल्स देते हैं। जैसे यदि हमने कंप्लीशन टाइप 00 देखा, 00 मतलब गुड कंप्लीशन,
स्कैनिंग अच्छे से हो गई है। तो उस कंप्लीशन में चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो कंप्लीशन कोड द्वारा बताई जाएंगी। जैसे 00 अगर है तो स्कैंड पैटर्न नहीं मिला, जो भी पैटर्न स्कैन करने के लिए दिया गया था वो नहीं मिला है लेकिन स्कैनिंग पूरी हो चुकी है। 01 है तो वो स्कैन पैटर्न मिल गया। 10 है तो स्कैन पैटर्न के कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज मैच की है लेकिन पूरी तरह से मैच नहीं हुआ है। इस प्रकार हर कंप्लीशन टाइप की डिटेल्स कंप्लीशन कोड द्वारा बताई जाती हैं। फिफ्थ है स्टेटस रजिस्टर। यह रजिस्टर एफडीसी की स्टेट को दर्शाता है। A1 A0 00 होने पर यह सिलेक्ट होता है। D7 कमांड बिजी तब सेट कर दिया जाता है जब एफडीसी किसी कमांड को प्रोसेस कर रहा होता है। D6 कमांड रजिस्टर फुल जब एफडीसी के कमांड रजिस्टर में कमांड राइट कर दिया जाता है तब यह सेट होता है और जैसे ही एफडीसी उसकी प्रोसेसिंग शुरू करता है इसे क्लियर कर दिया जाता है। D5 पैरामीटर रजिस्टर फुल यह सेट होता है जब तक रजिस्टर में पैरामीटर लिखा रहता है। जैसे ही एफडीसी पैरामीटर पढ़ लेता है यह बिट रीसेट हो जाता है। D4 रिजल्ट फुल जब एफडीसी की प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है और रिजल्ट रजिस्टर में सेव हो जाता है तब यह सेट होता है और जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर रिजल्ट रजिस्टर से रिजल्ट पढ़ लेता है यह बिट रीसेट हो जाता है। D3 इंटरप्ट रिक्वेस्ट जब एफडीसी का रिजल्ट तैयार है तब वह माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट भेजता है तब यह बिट सेट होता है और जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर रिजल्ट पढ़ लेता है यह बिट रीसेट हो जाता है। D2 नॉन DMA डेटा रिक्वेस्ट जब एफडीसी बिना DMA के काम करता है तब यह बिट सेट होता है। D1 और D0 यूज नहीं आते इसलिए रीसेट रहते हैं। यह चित्र 8271 और डिस्क ड्राइव का इंटरफेस बता रहा है। ये सभी सिग्नल्स हम पढ़ चुके हैं। यहाँ आप अच्छे से इन सिग्नल्स की डायरेक्शन का आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से इनकमिंग सिग्नल्स हैं और कौन से आउटगोइंग सिग्नल्स। 8271 टू डिस्क ड्राइव इंटरफेस। डिस्क ड्राइव इंटरफेस के मेजर तीन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट रीड, अनसेपरेटेड डेटा में से डेटा और क्लॉक को अलग करने के लिए यह डेटा विंडो यूज करता है, बाइट को सिंक्रोनाइज करता है और ट्रैक की आईडी और डेटा फील्ड की सीआरसी क्या होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जो एरर के लिए यूज किए जाते हैं एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए, इन सब चीजों को वेरीफाई करता है। सेकेंड फंक्शन है राइट, यह कंपोजर डेटा को लिखता है और आईडी और डेटा फील्ड सीआरसीज को कैलकुलेट करके उन्हें डेटा के साथ सही जगह पर जोड़ता है। थर्ड फंक्शन है कंट्रोल, यह विभिन्न प्रकार के कंट्रोल फंक्शंस जैसे कि स्टेप रेट, हेड का लोडिंग टाइम, सेटलिंग टाइम, अनलोड डिले, इन सब को जनरेट करता है और ड्राइव के सभी फंक्शंस के निगरानी करता है।